जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला। शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला। बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला। शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की। सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। दूसरे दिन भी कमला की बिटिया के पेट में ऐठन रही। दस्त आ रहे थे। वो रो रही थी। कमला की सास उसे झटपट झाड़ फूंक के लिए ले गई। मंदिर वाले बाबा ने मंत्र पढ़े। झाड़ा लगाया। फूंक कर एक तंत्र भी दिया। पर बच्ची ठीक ना हुई। मौसी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक रह जाऊंगी। तुम लिखो। कुछ ना हुआ तो फिर रो क्यों रही है? अरे तू अपना काम कर, क्यों दिख करे बेचारी को? तू अपनी लिखाई कर, थोड़ी देर में अपनी आप ठीक रह जाएगी। अरे ताई भली है तू, वहीं पे बैठे बैठे क्या दिया क्या भी ठीक आ जाएगी। देख ना रही है कि कैसे रो रही है वो। इतना तो होता ना है किसी से कि कोई जिन पता करे कि वो रो क्यों रही है। अरे पता है हमें, क्या दुख है बेचारी को, रो लेने दे, दो पल में मन हल्का है जाएगा। मौसी बात क्या है? हर बात तुझे जानना जरूरी है। हाँ है, एक बार बताने से समझ में ना आई छोरी के। जरूरी है तेरे लिए जानना, जरूरी है, सौ बार जरूरी है। जो मेरे पे गुजरी वो किसी पे ना बीते, इसीलिए बताना जरूरी है। रहन देना सुशीला, क्यों बीती बातों को याद करके अपना मन खराब करे है? यादें क्या रोके से रुके हैं ताई, पखत पे पखत चली आवे जी जलाने को। जब भी याद आवे है तो जी भर के कोसू इन ओछा साधुओं को जिन्होंने मेरी बच्ची की जान ले ली। तुम लोग
भी ना हुए थे, मैं अपने ससुराल में ही मेरे गोद में 4 महीना की बच्ची। अभी आई मेरी लाली, अभी आई तेरी अम्मा। अरे बहू, लल्ली ने फिर से चट्टी कर दी है, आके साफ कर दे इसे। दो दिन है गए, पेट ही ना रुक के तेरा लल्ली का। तेरे गांव में बालक टट्टियां ना करे हैं क्या? अरे जो इसको धोने में घिनी आ रही है तू। कैसी सूख के कांटा है गई है, कुछ है ना गए लल्ली को। अरे छोरियों को कुछ ना हो गए, और यो भी तेरे बाप ने कौन सी भैंस पाल दी है इसके लिए जो ये मोटी होवेगी। एक बार डॉक्टर को दिखा देते। अच्छा, डॉक्टर को दिखावेगी और उसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप? अरे जा, जाके चारा काट। हाँ अम्मा जी, मैं उनसे बात कर लूंगी। लली दिन में 10-10 पेट टट्टी फिर रही है। अरे तू क्या बात करेगी अपने उनसे? उससे तो बात करूंगी मैं। तेरी सिठानी अपनी लल्ली के पेट के पीछे सारा घर बर्बाद कर रही है, हैं? एक बेटा तक तो जलाना गया तुझसे। अम्मा जी, पैसा मैं अपने बाबा से मंगवा लूंगी। अपने बाप की तो धौंस मुझे दीजो मत। इतना ही पैसा हा उस बुड्ढे के पास, तो तेरे लगन में क्यों ना दे दिया? अरे गजबन की जवान वाली लौंडिया हमारे मत्थे मर दी, हैं? जा चारा काट, जाके गैया भूखी खड़ी है, जा। लगता है फिर कर दे, पड़ी रहने दे इसे, पहले गैया की सानी कर। सुनो, ए उठो ना। क्या है सोने दे? लल्ली ने 5 बार टट्टी करी है। ये तो मैं क्या करूं? दस्त आ रहे हैं। तो क्या मैं उठ करके धोऊं? नहीं, वो डॉक्टर के पास ले जाते ना, कुछ है ना जाए मेरी लल्ली को। अरे सवेरे सवेरे कान भरने शुरू कर दिए छोरा के, सोने क्यों नहीं देती उसे? मेरी बच्ची को कुछ है जाएगा, तू करते क्यों ना कुछ? ठीक है, जाते मैं ओझा को बोल जाऊंगा। ओझा को? और नहीं तो का, विलायत के डॉक्टर से इलाज करवाएगी, ओझा झाड़ कर देगा, वहीं से ठीक हो जाएगी छोरी। एक बार अस्पताल में दिखा देते। अब चास्ती भेजा मत ना था, हमारे यहाँ ओझा का रिवाज है, वही करेगा जो करेगा। तंत्रम जंत्रम काली भक्तम धूरम कुक्कुट पीवत रक्तम तंत्रम जंत्रम। मतवारी नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे मोरा जिया लल जाए। तू क्या देख रहा है? चार फूको तंत्र मंत्र के प्रसिद्ध उस्ताद स्वामी प्रकोपानंद जी महाराज
आपके दुखों को दूर करने, दुश्मनों को चकनाचूर करने, पिशाचों को भागने पर मजबूर करने और अपने मुंह में अंगूर करने। क्या बोल रहा है? पिशाचों को भागने पर मजबूर करने, बंदरों को लंगूर करने। अबे क्या बोल रहा है उलझलून? पिशाचों को भागने पर मजबूर करने, अपनी टोन में पिस्ता बादाम और खजूर भरने। आम के जने ठीक से बोल, नहीं तो जिंदा काट दूंगा धरती में। ऐसे बोल, आपकी फसलों को भरपूर करने, पिशाचों को भागने पर मजबूर करने। बोल, पिशाचों को भागने पर मजबूर करने, आपकी फसलें भरपूर करने। आ गए हैं एक बार फिर आपके गांव में आ गए हैं। आइए आइए, अपनी शंकाओं का निवारण करवाइए, अपने दुखों से निजात पाइए, हर डिजाइन हर साइज के गंदे ताबीज ले जाइए। आइए आइए, मत घबराइए, चले आइए चले आइए चले आइए। किसी पर देवी देवता का साया हो या चंडी ने थर दबाया हो, घर में भूतों का डेरा हो या विपत्ति ने आ घेरा हो, पेट में पिशाच घुस गए हो या भूख मर गई हो, खेत बंजर हो गए हो या चुड़ैल टोटका कर गई हो। वो देख, एक मुर्गी आ रही है अब जरा जोश के साथ। बच्चे को बुखार आता हो या पेट चल गया हो या बदन सूख गया हो या कोई अंग गल गया हो, सिर से बाल जा रहे हो या दांत सता रहे हो, कोर्ट कचहरी से सम्मन पे सम्मान आ रहे हो, दुश्मन ने साफ दिया हो या बेटे को नजर लगाई हो, आपकी भैंस खोली हो या लड़की भगाई हो, आइए आइए स्वामी प्रकोपानंद जी के चरणों में शीश निभाइए, अपने दिल का हाल बताइए और अपने दुख की दवा पाइए। आइए आइए, मत घबराइए। पायलक महाराज, जरूरी बात करनी है भैया। महाराज जी ने ध्यान लगाया है, अभी कुछ ना बोलो। मेरी बच्ची को किसी की बुरी नजर लग गई है, 3 दिन से बाका पेट चल रहा है। ठीक है, शाम को आना। अगर अभी चलते तो बड़ी कृपा होती। तंत्रम जंत्रम झाड़म फूकम गड़गड़ गुड़गुड़ हुकुम पुकुम। क्या कह रहे हैं महाराज? लगता है तुम्हारी सुन ली स्वामी जी ने। संत प्रकोपम काली भक्तम थूरम कुक्कुट पीवम रक्तम। मुझसे कुछ कह रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है, पर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। भैया ये देवी देवताओं की भाषा है, हर टट्टू खच्चर समझने लगा तो चल गया काम। गड़गड़ गुड़गुड़ हुकुम पुकुम तंत्रम जंत्रम तंत्रम जंत्रम। ओम नमः शिवाय। जय हो महाराज की, जय हो। क्या चाहते हो बच्चा? आप कष्ट करके मेरे घर चले चलते। तुम्हारी बच्ची की तबीयत खराब है? अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं महाराज, चलकर कुछ कीजिए ना। तुम्हारी बच्ची पर एक भयानक पिशाचिनी का साया है, हमें गंध आ रही है। तो भगाइए उसे, भगाइए। वो ऐसे नहीं भागेगी। फिर कैसे भागेगी महाराज? वो कुछ लेकर जाएगी, भुना हुआ मुर्गा मांगती है, दारू की बोतल मांगती है और कुछ दक्षिणा भी मांगती है। दूंगा महाराज, मैं सब दूंगा। आप मेरे घर से उस टाइम को भगाइए किसी तरह। तब फिर देर मत करो, जल्दी चलो। अबे तू कहाँ जा रहा है? यहाँ पे ठिया संभाल, और अगर कहीं गया ना तो टांग पर टांग धर के चीर दूंगा। चलो। मंत्रम तंत्रम काली भक्तम तूलम। मार डाला मेरी बच्ची को, मार डाला। होनी को कौन डाल सके? बताओ अभी परसों तक कैसी भली चंगी ही लल्ली। अरे जब आदमी का बखत आवे ना तो खड़ा खड़ा गिर जावे। क्या भला चंगा और क्या ही बीमार, सब ऊपर वाले के हाथ में है। कहते कहते जवान सूख गई मेरी, डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो। नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। मेरे भूल से बच्ची सूख सूख के काटा है गए। तो देखते रहे। छोरा होता तो अस्पताल तक दौड़े जाते, मेरे बच्चे की जान पे किसी को तरस ना आया। मौत के घर में अनाप शनाप ना बक बहू, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। हाँ मार डालो, मुझे भी मार डालो कसाईया। मेरी बच्ची की जान लेके अबर ना आया तुम्हें। जवान को लगाम दे कमीनी,
अपने ससुराल वालों को कोसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कोसने भी मत दो मुझे, खींच लो मेरी जुबान, कहीं जिस्सा सुन के तुम्हारे बदन पर छाले ना पड़ जाए। तुमने, हाँ तुमने और पाखंडी हो जाने मार डाला मेरी लल्ली को, मेरी बच्ची सास सास के लिए तड़पती रही और वो पाखंडी मिर्च चलाता रहा, मुर्गी खाता रहा, पीता रहा सारा, और जे सब उसके सामने हाथ छोड़े बैठे रहे। अरे जे भी सरीके मेरी लल्ली के खून में, कातिल है मेरी लल्ली के कातिल। अम्मा मैं कहता हूँ आप मुझसे बर्दाश्त ना होता, जे अब इस घर में नहीं रह सकती। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत चुप रह लिया, जिस दिन से इस घर में आई है उस दिन से इस मनहूस ने सब बर्बाद कर दिया है। 4 साल में एक बच्चा जना तो वो भी छोरी, उसे भी ठीक से पाल नहीं सकी और ऊपर से कुश्ती है हम ही को, जिस थाली में खाए उसी में छेद। निकल अभी इसी घड़ी निकल जाए, बाहर निकाल। वो दिन और आज का दिन, मैं वहां लौट के ना गई, तेरा घर वाला तुझे लेने नहीं आया मासी ना। हाथा भी तो जलील करके लौटा देती उसे मैं, पर वो आया भी नहीं। बाद में सुना उसने दूसरा ब्याह कर लिया, शराब की लत डाल ली, डॉक्टर के पास ले जाते तो आज तेरी लल्ली हमसे बड़ी होती। बेटी तब मुझमें इतनी अकल होती कि ये नौबत ही ना आती, मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची की जान सिर्फ चीनी और नमक के घोल से बच सकती है। चीनी और नमक के घोल से? बच्चे को दस्त लग जाने से उसके बदन में पानी की कमी है जावे, ऐसे में उसे साफ पानी में शक्कर और नमक घोल के पिलावे, खाना और पीना जारी रखे, पाई से उसके बदन की ताकत धीरे धीरे लौट आवे। ये छोटी सी बात अगर मालूम हो सबको तो दस्त जैसी बीमारी से इतने बच्चे ना मरे। ऐसे में बच्चे को दवाई नहीं, भर पेट खाना और पानी चाहिए। हर लोग शुरू कर देवे हैं तंत्र मंत्र और झाड़ फूक कि बच्चा ना मरता हो तो भी मर जाए, और तब मुझे इतना सा भी नुस्खा ना पता है। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत, औरत जो पढ़ गई तो वो दबकर न रहेगी, हरगिज़ नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।